मैं कभी कभी कुछ रैंडम टर्किश सीरियल्स के बारे में यूं ही वीडियोस बनाऊंगी, पूरा एक्सप्लेन नहीं, बस टॉपिक बताऊंगी। आज भी एक नए सीरियल के बारे में बताने वाली हूं जो शायद कुछ यासा केल्मा जैसा ही है, बीर पेरी मसाली, ए फेरी टेल, जैनब की कहानी। अगर आप एक गरीब घर की लड़की हो और आपको पैसों से बहुत प्यार हो और अचानक आपको 8 लाख रुपये मिल जाए तो आप क्या करेंगे? यही कहानी है जैनब की, एक आम घर की लड़की जिसका बाप उसको बस डांटता रहता है, घोड़ों पे बाजी लगाता है। उसकी बड़ी बहन जो तलाकशुदा होकर अपनी बेटी के साथ उसके वहाँ ही रहती है, वो एक बड़े घर पे मेड का काम करती है। उसका बॉयफ्रेंड अल्प उसे रानी समझता है, उसे प्यार करता है। आज उसका बर्थडे है इसलिए गाड़ी रेंट पे लेके उसे एक चांदी का चेन गिफ्ट करता है, यानी वो भी गरीब है, जिससे जैनब चिढ़ती है। और अचानक जैनब को गाड़ी के पीछे एक पैसों से भरा बैग मिलता है, वो देख के पागल हो जाती है, उसे हर हाल में वो पैसे लेने हैं। अल्प मना करता है और वो झगड़ा करती है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों बेहोश हो जाते हैं। जैनब को होश आती है और वो पैसे लेके भाग जाती है अपने बॉयफ्रेंड को उसी हाल में छोड़ के। पहले अपने घर जाती है जहाँ सबसे बच के अपनी चीज़ें उठा के ले जाती है, पहले होटल में चेक इन करती है, फिर कपड़े खरीदती है और फिर गाड़ी रेंट में लेती है, बहुत मज़े करती है। फिर मेकअप करवाने जाती है जहाँ मेरी नाम का एक आदमी उसे देख के समझ जाता है कि अमीर होने का नाटक कर रही है वो, उसका इंसल्ट कर देता है जिससे गुस्सा होकर जैनब चली जाती है। फिर नाइट क्लब में मैगजीन में देखे हुए लड़कों को टारगेट करती है और उनके सामने भी अमीर बनने का नाटक करती है। एक आदमी उसे भाव देता भी है पर फिर उसे कहता है कि मुझे पता है तुम अमीर होने का नाटक कर रही हो, हम भी ऐसे ही लोग हैं, हमारे गैंग में शामिल हो जाओ। जैनब गुस्सा हो जाती है, हार मान के मेरी नाम के आदमी के पास जाके भीख मांगती है कि मुझे अमीर बनना सिखाओ। मेरी पैसों के बदले मान जाता है, उसके कपड़े और मेकअप को ठीक करता है और उसके साथ रहने लगता है। अब अमीर आदमी को टारगेट करना है। जैनब एक झटके में सीरियल के हीरो को ही टारगेट करती है जिसे वो अक्सर अपने दोस्त के काम करने की जगह पे देखती है, उसके हिसाब से वो हैंडसम और अमीर है। मेरी मान जाता है और उसे ऑलरेडी उसका पता है, उसका नाम ओनूर है, बड़ा बिजनेसमैन, बाप भी बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी अम्मी के डेथ के बाद बाप ने दूसरी शादी की, उससे 3 बच्चे हुए, जफ़र, उमित और नस्लियान। बाप बेटा चाहता था इसलिए सौतेली अम्मी अपने बेटे जफ़र को बिजनेस में डालना चाहती है, पर बिजनेस में इंटरेस्ट है नस्लियान को, पर उसके पेरेंट्स उसको सीरियसली नहीं लेते। जफ़र तो दिल फेंकी का काम करता है, उमित रेस्टोरेंट चलाती है, डाउन टू अर्थ। ओनूर हर हाल में बिजनेस अपने हाथ में लेके रहेगा। और उसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स थी पर एक ही लड़की से उसका रिलेशनशिप सीरियस था, बीगे से। घोड़ों की रेस में ओनूर की फैमिली भी खेलते हैं, जैनब भी बाप की वजह से इसमें माहिर है इसलिए घोड़ों की रेस में बड़े घर की लड़की बनके ओनूर से जानबूझ के टकराती है और उसे आइडियाज़ देती है जिससे ओनूर जीत जाता है। ओनूर और उसकी फैमिली जैनब से मिलते हैं और इम्प्रेस होते हैं, उसे घर पे बुलाते हैं। उधर अपने बाप को देखती है जैनब पर छुप जाती है, अब वो अपने घर कभी नहीं जाएगी। उसकी आपा उसके लापता होने से परेशान है पर उसका डैड नहीं। उसके बॉयफ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ होश आने पर जैनब तो नहीं दिखती, पर हाँ जैनब ने एक बार कॉल किया था उसका हाल पूछने के लिए और नर्स से कहा था कि मैं अल्प की बहन हूँ, फिर अपना सिम कार्ड फेंक देती है। अल्प को पता चलता है तो वो समझ जाता है कि जैनब भाग गई। जिसके पैसे थे वो अल्प को हॉस्पिटल से उठा ले जाके अपने बॉस के पास लाते हैं और उसका बॉस धमकी देता है कि पैसे वापस करो वरना ऊपर पहुंचा दूंगा। अल्प का दोस्त उसके साथ बैठ के वही घोड़ों की रेस देख रहा था और वहीं पे अल्प ने जैनब को देख लिया, कहता है इसको तो मैं दिखाता हूँ धोखा क्या होता है। मेरी के तैयारी से जैनब एकदम बड़े घर की लड़की की तरह ओनूर के घर जाती है, इस मकसद से कि ओनूर उसका हो जाएगा। सब उसका वेलकम करते हैं बहनों को छोड़ के। जफ़र उस पर फिदा हो जाता है और ओनूर आता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बीगे के साथ, कहता है मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर लिया है। जैनब शॉक, अब आगे वही सब चालबाजी करके उसे ओनूर को छीनना होगा। ये सीरियल शायद उर्दू में चलने से काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, दिन वीडियो ख़त्म।